शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये है हमारा आज का टारगेट शिकार सुभाष मूलचंदानी। दिल्ली की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर है। पैसा बहुत है पर मिजाज का भी शौकीन। ओवरऑल हमारे लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट। ग्रैब हिम। क्या आप मुझे कॉर्पोरेट पार्क तक लिफ्ट दे सकते हैं? देखिए ना, यहाँ कुछ ही दूरी पे मेरी कार खराब हो गई है और ना जाने मुझे कितना और चलना पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपको जल्दी ना हो तो पास ही में एक पब है, साथ में चल के चिल करें। जी जरूर, जहां आप जैसे कंपनी हो तो हम इस वीराने में भी पार्टी का मजा उठा सकते हैं। बढ़िया, मुझे ऐसी फॉरवर्ड लड़कियां बहुत पसंद है। मिस्टर आशिक, बहुतों की पार्टी, अब बिल चुकाने का टाइम आ गया है, उतार। और हाँ, अब अपनी शानदार कार को तू हमेशा हमेशा के लिए भूल जा, निकल। मेरा फोन। What the hell is happening? Cheers! Cheers to our partnership. पता है, हमारी पार्टनरशिप को शुरू हुए आज एक महीना हो चुका है। और एक महीने में ये हमारा 30 सक्सेसफुल शिकार था। और हमारी टोटल आज तक का प्रॉफिट 15 लाख रुपए है। All thanks to you, partner. अगर तुम मुझे उस दिन अपनी पार्टनरशिप ऑफर नहीं करते तो मैं तो छोटे मोटे प्रॉफिट करके बड़ा रिस्क उठा रही थी। तुम्हें याद है तुम कैसे मुझसे लिफ्ट मांगते मुझे अपना शिकार बनाने के चक्कर में? देखिए ना, कुछ ही दूरी पे मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मुझे कॉर्पोरेट पार्क तक लिफ्ट दे सकते हैं? कम इन। चल, निकल अपनी कार से और अपनी कार को हमेशा के लिए भूल जा। डरो मत, मैं पुलिस नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक बिजनेसमैन हूं। और अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर ये बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉफिट 4 गुना। मैं दिल्ली के बहुत से रईस लोगों को जानता हूँ, उनका रहन सहन, लाइफ स्टाइल, उनकी वीकनेस सब मुझे पता है। अगर तुम मेरा साथ दो तो फिर कमाई में थोड़ा मुनाफा हो जाएगा। 50% तुम्हारा
50% मेरा। अब वक्त आ गया प्लान के दूसरे हिस्से को पूरा करने का। मेरा मतलब है तुम्हारी शिकार के साथ खींची हुई फोटोज को शिकार को बेचकर उसे ब्लैकमेल करने का। हेलो सुभाष जी, कमाल करते हैं आप। नया फोन और नया नंबर लेने में काफी देर लगा दी। कौन बोल रहे हैं आप? नहीं, जिसके साथ आपको चिल करने में बड़ा मजा आता है। दरअसल आपके साथ बिताई हुई उस शानदार शाम की कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास। प्यारी तस्वीरें हैं, मगर एक दिक्कत है, इन तस्वीरों के कुछ चार्जेस हैं। घबराइए मत, बस आपके लिए तो एक शाम किसी होटल में अय्याशी करने जितनी रकम है, सिर्फ 5 लाख। 5 लाख मेरी बताई हुई जगह पर भिजवा दीजिए। वरना मेरे पास मिसेस मूलचंदानी का भी नंबर है। Yes. वैसे नया बिजनेस काफी जल्दी सीखने लगेगा। मास्टरमाइंड तो आप हैं, हम तो सिर्फ कलाकार हैं। जो डायरेक्टर कहेंगे हम तो वही करेंगे। खतरनाक बिजनेस में फिर भी इतना डरती है? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, तुम भी ना रोहन। मैं भी ना रोहन क्या? ऐसे कौन करता है? वाओ, तुमने उस मूल चंदन के सारे पैसे वसूल कर लिए। मेरे 5 लाख है। You are just too good partner. We are good together partner. ये बात तो सच है, हमारी जोड़ी कमाल की है। कौन है वो बंदा? हमारा अगला शिकार कुणाल सानी। बहुत ही मोटी और तगड़ी पार्टी है, केमिकल का बिजनेस है, बीवी है, दो प्यारी बेटियां हैं, मगर जनाब एक नंबर के अय्याश।
मजा आएगा कि कोई शाम इनकी बिना शराब और शबाब के निकल जाए। हर शनिवार ऑफिस से ठीक 3 बजे निकल जाते हैं जनाब, सीधा आगरा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। अच्छा रिसर्च किया तुमने इसके बारे में? पिछले 20 दिनों से नजर रखे बैठा मैं इसमें। अगर इससे हमें मोटी रकम वसूलनी है ना, तो मुझे तुम्हारी कुछ इंटीमेट तस्वीरें खींचनी होंगी इसके साथ। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे तुम्हारे अंदर कुछ पैशनेट लव चल रहा है। एक काम करेंगे, उसके लिए हम तुम्हारी एक स्पेशल शॉपिंग भी करेंगे। We'll buy some hot and sexy clothes for you, like this short skirt. ठीक है ऐसे। सोनिया, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे उठ कर क्यों आ गए वहाँ से? कुछ नहीं यार, वो घर की जरा सी टेंशन है। माँ का कॉल आया था तो माँ कह रही थी कि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मुझे प्रॉफिट में से मेरा हिस्सा दे सकते हो? Of course. ये जो कुछ भी है हम दोनों का ही तो है। एक काम करो, रुको, तुमने ये 20,000 रुपये तुम माँ को 20,000 रुपये भेजा, उन्हें बोला कुछ दिन निकालने के लिए। तुम्हें पता है मैंने एक बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और कुछ महीनों के बाद उसकी किस्तें पूरी हो जाएगी ना, तो हमारे फ्लैट की कीमत सीधा 3 करोड़ से 7 करोड़ हो जाएगी। जस्ट इमेजिन। चलो तुम खुश नहीं हो? तो ये बात है क्या? यार कुछ नहीं, कोई भी ऐरा गहरा इंसान मुझे छुए, मुझे किस करे, अपनी बाहों में भरे, तुम ये सब कितनी आसानी से देख लेते हो ना, क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता? ओहो सोनिया, तुम भी ना। तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, हमारे बच्चे होंगे। बस 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 मैडम, कहां से कहां पहुंच जाती हैं आप? Let's focus on our business first. कुणाल सारी, हमारा अगला शिकार इस बार इससे मोटी रकम वसूलनी है। Right, my girl? Right. तुम्हारे पापा सुनेंगे ना तो तुम खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। हम तुम्हारे पापा को कॉल लगाते हैं। हेलो सोनिया, कमाल हो गया, तुम्हारी उन तस्वीरों ने ऐसा जादू चलाया कि कुणाल शानी खुद 15 लाख रुपए देकर गया है। अरे उसकी गाड़ी के 7 लाख साथ में ये 15 लाख, ट्रस्ट में ये हमारी पार्टनरशिप डील का आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो 3-4 शिकार और करेंगे के बाद हमारी प्रॉपर्टी की किस्त एकदम क्लियर हो जाएगी। बहुत जल्द हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। आज जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सोनिया तुम्हारे एक्साइटमेंट में समझ सकता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल करो, जल्दी आता हूँ। आरोहन ऐसी बात नहीं है, और हाँ पैसे मिलने की खुशी में अपने सेट किए गए सिम को भूल मत जाना, सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर देना। तुम जानती हो ना सोनिया, मैं अपने उसूल कभी नहीं भूलता, शिकार पूरा होने के बाद सिम कार्ड तो मैं डिस्ट्रॉय कर ही देता। तुम्हारे पापा आने वाले हैं। अरे तुम्हारी माँ भी कितनी पागल है,
तुम्हारे पापा आने वाले हैं, मैं उसे ऐसे मिलूंगी। तुम्हारी मम्मी नए कपड़े पहन के आती है। बस आप अभी थोड़ी देर में ही आने वाले होंगे और मम्मा और पापा दोनों मिलके तुम्हें ढेर सारी खुशियां देंगे। सुना तुमने, तुम्हारे आने की खबर सुनते ही हमें कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। और देखना, तुम्हारे आने की खबर सुनते ही पापा ना बिल्कुल पागल हो जाएंगे। मुझे अभी मिलो। अरे सोनिया जी, आपने इस वक्त मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या आज रोहन आपके पास पैसे डिपॉजिट करवाने आया था? हाँ आया था, 3-4 घंटे पहले। लेकिन इस बार पैसे डिपॉजिट करने नहीं आया था, विड्रॉ कराने के लिए आया था। आप तो जानती हैं, मैं पिछले 6 महीनों से आपका काला पैसा अपने बैंक के थ्रू व्हाइट में बदल देता हूँ। रोहन लगभग 2 बजे मेरे पास आया, सारा हिसाब किताब किया, अपना पैसा लिया, मुझे मेरा कमीशन देके चला गया। 4 घंटे हो गए और रोहन अभी तक घर नहीं आया। लगता है इस बार चोर के घर में चोर ने डाका डाला है। अरे भाई, पूरे 3 करोड़ रुपए थे उसके हाथ में, अब इतने बड़े प्रॉफिट के बाद वो वापस दिल्ली में नहीं दिखेगा। मेरा नंबर डिलीट कर देना। और हाँ, अगर तुम पकड़ी गई तो ना मैं तुम्हें जानता और ना तुम मुझे। बिजनेस में हम अपने शिकार को सिर्फ एक शिकारी की नजर से देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, हमारे बच्चे होंगे। बस 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 मैडम, कहां से कहां पहुंच जाती हैं आप? The number you are trying to call is currently not reachable. Please call again later. The number you are trying to call is currently not reachable. तुम मुझे यूं धोखा देकर नहीं जा सकते, नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं, तुम नहीं जा सकते रोहन, तुम नहीं जा सकते। मैं अपने उसूल कभी नहीं भूलता। शिकार पूरा होने के बाद तुमका तुम्हें डिस्ट्रॉय कर ही देता। लगता है इस बार चोर के घर में चोर ने डाका डाला है। अरे कहाँ रह गए तुम? जल्दी करो, कितना टाइम लगा रहे हो? तुम्हारी कार बाहर रख दी है। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारे कपड़े भी बाहर रख दिए, मैं तब तक तुम्हारा नाश्ता लगाती हूँ। तुम भी ना एकदम बच्चों जैसे करते हो। नाम शीतल है, तो हमेशा घोड़े पे सवार रहती हो। क्या जल्दी आओगे भेजने की है? जल्दी जाओगे नहीं तो जल्दी आओगे नहीं, और जल्दी आओगे नहीं तो क्या शीतल बोलो ना, सलमान के लिए। वैसे जब से हम दिल्ली से आप पुणे आए हैं
तब से हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। तुम्हारा शोरूम भी सेट हो गया है, अब बस इस घर में छोटे से नन्हे से मुन्ने बच्चे की आवाज गूंजने लगे, उसके बाद हमारी जिंदगी में चार चार लग जाएंगे। मेरी जिंदगी तो तब से सुख में आ गई थी, सिर्फ तुम मेरी जिंदगी में आई थी। और जहां तक बात है नन्हे मेहमान की, उसके लिए तो कुछ भी बनाओ, तुम्हारे हाथ का तो सब कुछ अच्छा लगता है। तुम भी ना, हमेशा झूठी तारीफ कर दे। हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ घर आकर। यस, किससे मिलना है आपको? था? पता नहीं, कोई शायद कोई बच्चा होगा, डोरबेल बजाकर शरारत करके भाग गया होगा। तुम कहीं जा रही हो? मैं बस यही मंदिर जा रही हूँ। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारे सुखी संसार को किसी की नजर न लगे। ध्यान रखो तुम अपना। घर तो काफी शानदार बनवाया तुमने, सजावट भी काफी अच्छी है। वैसे मैंने तुम्हारा शोरूम भी देखा, वो भी काफी शानदार है। बिजनेस तो अच्छा चल जाता होगा ना? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, भूल गए कि हम तो बिजनेस पार्टनर है। तो बस उस बिजनेस से अपना हिस्सा मांगने आई। बहुत मेहनत किया मैंने इस बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ये बात तो तुम भी मानते हो? ये सब उस कमाई में से नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक हर शहर में ढूंढ चुकी हूँ, और तुम यहाँ चूहे की तरह इस दिल में छुपे हुए हो, और अब कहते हो कि इसमें मेरा कोई हक नहीं है। मिस्टर रोहन, अगर सीधी तरीके से मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया ना, तो मैं वो तमाशा करूंगी कि जो तुम्हारी प्यारी बीवी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने गई है ना, तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगी। क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। एक बार ध्यान रखना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें यहां से। आउट। ठीक है, चली जाती हूं मैं, मगर एक बात याद रखना, अब से जो कुछ भी होगा उसे ना पर्सनली मत लेना,
तो क्या है ना कि मुझे मेरे गुरु ने सिखाया कि अपने शिकार को एक शिकारी के नजर से देखना चाहिए। आज मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए और इस गृहस्थी की सुख शांति के लिए व्रत रखा है। बस अब एक ही ख्वाहिश है, जल्दी से इस घर में एक नन्ना सा प्यारा सा मेहमान आ जाए। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जी क्या अभी मिस्टर रोहन शर्मा है? हाँ? नहीं रोहन शर्मा, क्यों क्या हुआ? आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है, इनका तो सीधा साधा लीगल बिजनेस है। देखिए मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए, इनके ऊपर रेप केस फाइल हुआ है। क्या इंस्पेक्टर साहब, समझिए मेरी बात, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ए, क्या वक्त हो? चल, जाओ या। चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब। हेलो, भैया। भैया पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है। भैया आप जल्दी कुछ कीजिए। मुझे पता था वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। चलो बैठो। आखिर है कौन ये लोग? देखिए शीतल जी, आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, अभी तो इन्हें सिर्फ बेल हुई है, अगर चार्जशीट दाखिल हो गई ना तो रेप के चार्ज में कानून बहुत कड़े कदम उठाता है। ये क्या कह रहे हैं आप लक्ष्मी साहब, मेरे पति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ये जरूर इनके किसी बिजनेस के दुश्मन की साजिश होगी। देखिए मिसी शीतल, अगर वो किसी की साजिश हुई ना तो मैं वादा करता हूँ कि मिस्टर रोहन को कुछ नहीं होने दूंगा, मगर अगर इस कंप्लेन में थोड़ी सी भी सच्चाई हुई तो। वकील साहब आपको कौन है ये औरत, इसने इतनी घिनौनी हरकत की है, नाम क्या है उसका? मिस सोनिया धवन। एक बात याद रखना, अब से जो कुछ भी होगा उसे ना पर्सनली मत लेना। हेलो, कुछ बंदोबस्त हुआ मेरे हिस्से का या फिर मैं केस को और आगे बढ़ाऊं? क्या मिलेगा तुम्हें मुझे ब्लैकमेल कर? ये कौन कह रहा है, रोहन द मोस्ट वांटेड कॉन मैन ऑफ दिल्ली? खैर छोड़ो ये सब, अब मुझे ये बताओ कि मेरे हिस्से के पैसे मुझे कब और कहां पहुंचा रहे हो? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, बता दूं कोर्ट में सबूत चाहिए होते हैं। फिर अब हमारी अगली मुलाकात सबूत के साथ होगी। टिल देन बाय मिस्टर रोहन। अच्छा क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ वकील साहब, एक बुरी खबर है, वो लड़की पुलिस को सबूत के तौर पे अपना एबॉर्शन रिपोर्ट और अपने एबॉर्ट किए हुए बच्चे के फीटस का DNA सैंपल देने वाली है, और अगर ये सैंपल रोहन के DNA सैंपल से मैच हो गया तो रोहन तुम बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। बच्चा एबॉर्शन, ये सब क्या है? मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर उस लड़की की बात में थोड़ी सी भी सच्चाई तो आप उस लड़की से आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर दीजिए। अगर ये साबित हो गया ना कि वो बच्चा आप ही का था तो मेरे लिए आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए आगे आप समझदार हैं, आप लोग सोच के मुझे फोन कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग।
ऐसी क्यों देख रही हो तुम मुझे? क्या वो लड़की सच कह रही है? तुम्हें अपने पति की बातों में यकीन नहीं है? मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि उस लड़की के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा नहीं था। ठीक है, अगर तुम इससे शांति मिलती है ना तो मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि उस लड़की के पेट में जो बच्चा था वो मेरा नहीं था। शीतल, तुम्हें अपने पति पे भरोसा नहीं है, उस लड़की की बात पे भरोसा है? यहाँ एक लड़की मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवाने के चक्कर में है और तुम मेरा साथ देने के बजाय मुझ पर शक कर रही हो। क्या करूं मैं तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए? अपनी जान दे दूं? शांत हो जाओ। अगर वो लड़की झूठ कह रही है ना तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उस लड़की के जाल से निकाल कर लूंगी। हाँ, मैंने देखे थे उसे तुम बड़े शौक से यहाँ पूरा कर रहे हो और आज जब मेरे हिस्से देने की बात आई तो पास में सुख से मुकर रहे हो। जिस प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो बिल्डर सारे पैसे लेकर भागते हैं और पुलिस को भी हम पे शक हो गया था, अगर मैं वहाँ से नहीं निकलता ना तो तुम फंस जाते। मुझे बचाना ही था तो मुझे अपने साथ लेकर चलते ना, मगर मैं अपने साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होने दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम और तुम्हारी बीवी की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊँ तो मुझे उस लूट के 3 करोड़ रुपए वापस कर दो, मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। 3 करोड़ चूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और अगर ये सब केस तुमने वापस नहीं लिए ना सोनिया, तो जस्ट टू रिमाइंड यू कि दिल्ली में हमने जितने भी कांड किए थे ना उन सब के सबूत अभी भी मेरे पास हैं, जहाँ पे मेरा कोई नाम नहीं है, क्योंकि जितने भी शिकार हमने साथ में किए थे उन सब ने तुम्हें देखा है, तुम्हारी आवाज सुनी है, मेरी नहीं। मुझे बहुत कुछ सीखा ना तुमने मुझसे, लेकिन ये सीखना रह गया कि आखिरी दांव अपनी मुट्ठी में रखते हैं। मिस सोनिया, मेरा नाम सोनिया, प्लीज टू मीट यू। ओ तो तुम ही हो वो चालबाज औरत जो झूठे इल्जामों में मेरे पति को अपने जाल में फंसा रही है। बड़ी मुश्किल से लॉयर से तुम्हारा एड्रेस निकल रहा है मैंने, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर कर क्यों रही हो तुम ये सब, इतना बड़ा झूठ क्यों? जुबान संभाल कर बात करो, मुझे झूठा कहने से पहले अपने प्यारे पति की सच्चाई नहीं जानना चाहोगी? और अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर ये बिजनेस कर सकते हैं। ये देख,
अपने घर दिल्ली में, हम जहाँ साथ रहते थे। ये वो इलीगल बैंक अकाउंट है जो हम दोनों ने मिलकर साथ खोला था, जिसमें से 3 साल पहले तुम्हारा पति 3 करोड़ रुपए लेके और मुझे अपने बच्चे की माँ बनाकर भाग गया था। और ये वो सबूत है जिसे दुनिया की कोई भी अदालत नहीं झुठला सकती। ये मेरे बच्चे के अबॉर्शन की बात की डीएनए रिपोर्ट है। चाहो तो अपने पति के डीएनए से मैच करा लो। पर मुझे नहीं लगता कि इस सबूत के बाद तुम्हें किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी। वैसे अभी तुम्हारे सत्यवादी पति से मिलकर आ रही, मुझे धमकी दी है। हमने दिल्ली में जितनी भी लूट की है वो सारे सबूत पुलिस को देकर मुझे जेल भिजवाएगा। काफी चालाक है तुम्हारा पति, पर मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा। इसलिए मैंने सोचा कि ये सबूत अदालत में पेश करने से पहले क्यों ना मैं तुमको दिखा दूं। जब 3 साल पहले रोहन ने मुझे धोखा दिया था और जिस दर्द से मैं गुजरी थी, मैं चाहती हूँ उस दर्द को तुम महसूस करो कि जिससे हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं जब वो हमें धोखा देता है तो कैसा महसूस होता है। जिस बच्चे के लिए तुम अभी तरस रही हो ना, उस बच्चे को तो मैंने आखिर भी खो दिया मैंने अपना बच्चा सिर्फ तुम्हारे पति की वजह से। तुम्हारे पति की बारी है, याद रखना ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि वो अपनी मौत को भी तरसेगा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उस लड़की को जान से निकाल कर रहूंगी। जिस तरह उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, उसी तरह मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि वो अपनी मौत पर भी तरसेगा। अपनी मौत पर भी तरसेगा। शीतल, शीतल तुम कहाँ थी शीतल? और ये क्या हालत बना रही थी तुमने? शीतल मेरी बात सुनो, शीतल सुनो तो सही। देखो मैंने जो कुछ भी किया शीतल, वो सब हमारे लिए किया, हमारे फ्यूचर के लिए किया। शीतल मैं और सोनिया मिलकर चोरी करते थे,
लेकिन शीतल मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हमारा फिजिकल रिलेशन भी था लेकिन लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम थी शीतल। तो शीतल मैं बस यही चाहता था कि जैसे हमारे इस घर की किस्त पूरी हो जाएगी हम यहाँ पर आ जाएंगे और मैंने वही किया। प्लीज मुझे माफ कर दो शीतल। I'm sorry. तुमने मेरे सर की झूठी कसम खाई ना? शायद ये तुम्हारे ही पाप है जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहा है। इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं मां नहीं बन पाई। सही ना कही तुमने मेरी वजह से इस माँ को धोखा दिया। नहीं तुम गलत सोच रही शीतल, ऐसा नहीं है। हम दोनों ने मिलकर उसके बच्चे को मार दिया। नहीं शीतल तुम गलत समझ रही हो। देखो देखो तुम गलत सोच रही हो। मैं नहीं छोड़ूंगी नहीं। वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो कभी भी आती होगी। नहीं वो छोड़ेगी नहीं हमें। इससे पहले कि पुलिस आ जाए जला देते हैं सारे सबूतों को। जला देते हैं वो नहीं छोड़ेगी नहीं। शीतल तुम ये क्या कर रही हो? शीतल मेरी बात तो सुनो। शीतल ये तुमने शीतल मुझे लगा कि शायद तुम अपने पति जैसी तो नहीं होगी। तुम तो उससे दो कदम आगे निकले। तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर मुझे बर्बाद करने की ठान रखी है। 3 साल पहले पति ने धोखा दिया और आज पत्नी धोखे से मुझसे सारे सबूत छीन के ले गई। तुम क्या करोगी? तुम सारे सबूत तो जला दिए मैंने। तुम मुझसे मेरे पति को नहीं छीन सकती, कभी नहीं छीन सकती, कभी नहीं। क्या कर रही हो? देखो गोली मैं चलाना, बात सुनो। सोनिया तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिस तरह से तुमने मुझसे मेरी सारी खुशी छीन ली है अब मैं तुम दोनों से तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी। सुनिए गोली मैं चला, सुनिए बात सुनो। को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। और हाँ फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही चार्जशीट फाइल करना ताकि गुनहगारों को बेल ना मिल पाए। ओके सर। तो मिस्टर रोहन शर्मा, हमने मिस सोनिया को आपकी वाइफ की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया। आपने और सोनिया ने दिल्ली में जितने कांड किए, लूट की, तो सब हमको बता दिया है। दिल्ली पुलिस ने मिस्टर अविनाश को गिरफ्तार कर लिया। कल तक अविनाश तुम्हारे खिलाफ गवाही भी दे देगा और तुमको दिल्ली पुलिस के हवाले करने का ऑर्डर है हमारे पास। सोनिया को लाओ। एक मिनट। तुमने मुझसे मेरे जीने की वजह छीनी थी ना, और देखो आज मैंने तुमसे तुम्हारे जीने की वजह छीन ली। अब भी हमारी पार्टनरशिप डील पूरी। मानना पड़ेगा क्या खूब रही हमारी पार्टनरशिप। ले चलो इसको। चलो
कॉन्स्टेबल ले चलो इसको चलो।